हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। आज जो हम बात करेंगे, 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका जो टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना, रिविजिटिंग बोल दिया है उसने, तो हमें जो है दोबारा जाके जो रिविजिट करना है, कौन सा जो 9th क्लास में आप लोग जो है पढ़ के आए हैं, दोबारा से उसको एक बार जो है रिकॉल करना है, जो कि इरेशनल नंबर है। ये आने वाली जो एक्सरसाइज है 1.3 उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है मैं इसको जो एक बार रिकॉल करा देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग क्या है एक्सरसाइज उसको करेंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो आपने 9th में पढ़ा था वो क्या था, रेशनल नंबर की अगर जब बात सॉरी रियल नंबर की जो हम बात करते थे, रियल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ। तो हिंदी में भी मैं साथ के साथ बताता चलूँगा, बाकी जो है इंग्लिश में भी जिसमें भी आप लोग समझ सकते हैं। वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, जो कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या मिलकर जो है क्या बनाती हैं, रियल नंबर बनाती हैं। जो आपने जो चैप्टर आपका यही है रियल नंबर जो है, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये आया है रेशो से, ये जो वर्ड आया किसा रेशो से आया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात से। अनुपात जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते थे, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। ये होता है रेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होगा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की हम बात करते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर जो हमने रिविजिट करने के लिए बोला है इसने, इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होंगे उसको हम इसमें बात करेंगे, है ना। इसमें जो आते थे डेसिमल एक्सपेंशन आता था, दशमलव जो एक्सपेंड करते हैं हम, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। वो कैसा होता था, इसमें जो है जैसे जीरो पॉइंट, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं 0.1, 0.11, है ना, 0.111, 0.41, है ना, 0 एंड सोन, इस तरह से चला रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई जो दशमलव है ये शांत नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता था वो कैसा होता था, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो शांत नहीं है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, और नॉन रिक्यूरिंग मतलब, या नॉन रिपीटिंग मतलब कि कोई नंबर जो है इसमें कोई पैटर्न जो है रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार जो है इसमें नया नंबर आ रहा है। तो इरेशनल नंबर की हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्या, कैन नॉट रिप्रेजेंट, मतलब कि हम उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, किसमें, P अपॉन Q की फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, P भी क्या होगा इंटीजर, और Q भी क्या होना चाहिए इंटीजर। ये तो था बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, है ना, इरेशनल नंबर का। तो ये हुआ जो इरेशनल नंबर थे, कैन नॉट रिप्रेजेंट एज रेशो, रेशो से आया था इरेशनल नंबर, तो रेशो में जो है हम जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था इरेशनल नंबर को किस तरह से जो है नंबर लाइन पर लोकेट करें, इरेशनल नंबर को लोकेट ऑन नंबर लाइन पर। ये 9th क्लास में जो है फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो इसी पर बेस्ड है, कैसा अगर रूट टू को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर जीरो है, ये वन है, तो हम क्या है इसमें लगाते, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, यहाँ पर ट्रायंगल बनाते थे जिसकी यूनिट जो है वन है, ये भी वन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, ये जो वैल्यू निकल के आएगी अगर हम ए बी सी देते हैं तो ए सी कितना आता था, निकल के अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू। ये जो है तुमने 9th में तुमने जो है पढ़ा होगा। तो इरेशनल नंबर से और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, है ना, कोई दो इरेशनल नंबर हैं, सपोज करो रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा,
इरेशनल नंबर ही मिलेगा, है ना, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, या माइनस करें तब भी हमें क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको, स्क्वायर रूट, ठीक है, अगर हम करते हैं स्क्वायर रूट में क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अंडर रूट एन, एन क्या है तुम्हारा, प्राइम नंबर है ना, और जो होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये जो होंगे, ये तो इरेशनल नंबर तो ये होंगे ही, बट अगर मैं करता हूँ अंडर रूट 15, जो कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है ना, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, बट 15 इज नॉट प्राइम नंबर, 15 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ना होने की वजह से भी जो है हमारा इरेशनल नंबर आ जाता है, तो ये नहीं है खाली प्राइम नंबर ही हो स्क्वायर रूट में, है ना, तो उसमें कंपोजिट नंबर भी होगा, वो भी इरेशनल नंबर दे सकता है ना, और रेशनल भी देगा, है ना, दोनों देगा, परिमेय भी देगा, परिमेय या अपरिमेय भी देगा, अपरिमेय भी ये नंबर देगा, अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ये देगा, ठीक है। और जो पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था 22/7, है ना, पाई की वैल्यू जो थी इज इक्वल टू 22/7, और हम लेते थे क्या 3.14, है ना, ये जो वैल्यू थी ये नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, इसका मतलब जो पाई था हमारा वो था इरेशनल नंबर, और जो 22/7 है हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख गया, ये होता है रेशनल नंबर, ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट था। और जो है हाँ, ये हमारा हो गया, अगर हम कोई भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, 2√2 जो होगा वो क्या है, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा, क्या करा, 2 × √2 मतलब कि रेशनल नंबर गुणा में इरेशनल नंबर, अगर दोनों इरेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या, रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं √2/√2, है ना, तो रेशनल मिलेगा, तो अब बस आपको इतना याद रखना है, अगर हम कुछ भी जो है घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, कैसे, या तो रेशनल ले लो प्लस √3 तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल, बट जो है इसमें जो है इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है, तो ये था हमारा जो है रिविजिटिंग जो इरेशनल नंबर का। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज जो है 1.3, उसको जो हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।